ऐसा है, मैं अपने बेटे के साथ कार में रामदेवरा और तरनोट माता 12 तारीख को 12 सितंबर लगभग 4 बजे यहाँ से रवाना हुआ। 12 की नाइट में यहाँ पे एक बच्चे का दोस्त है गोपाल सिंह, वो सोने आया, तब कुछ नहीं हुआ। 13 तारीख को वो रात को 9:45 बजे सोने आता है, तो वो देखता है कि गेट की चाबी, बाहर वाला जो गेट है मेन गेट फाटक, उस पर ताला लगा हुआ है। उसने उसको खोला और अंदर बैठक की चाबी भी उसके पास थी, तो बैठक खोलने के लिए आया, लेकिन बैठक का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो उसे थोड़ा डाउट हुआ, रसोई की खिड़की खुली थी, उसमें से लाइट जली हुई दिखी, तो फिर डाउट हुआ उसको, तो और गली में देखा लाइट है, तो उसने तुरंत बाहर निकला, दो आदमी को बुलाया और अपने पर्वतपुरा दो तीन साथियों को फ़ोन किया, वो 5-7 लोग आ गए और तुरंत मेरे को भी फ़ोन कर दिया। मैं उस समय तरनोट से लौट रहा था जैसलमेर, मैं रामदेवरा और तरनोट दर्शन के लिए मिसे वाइफ पत्नी के साथ अपने वाहन से बच्चे के साथ गया था। बच्चे के जैसलमेर में 3 दिन की सेमिनार थी और मेरा प्रोग्राम आगे का बना। लगभग 10 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि अंकल जी घर में कुछ इस तरह का हो गया है। तो मैंने तुरंत कहा कि आपको किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगानी और आप उसका वीडियो बना लें, फ़ोटोग्राफ्स बना लें। तो फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास है और यहाँ आदर्श नगर थाने में इन्फॉर्म किया और उसी समय राजपाल सिंह जी यहाँ 2-3 आदमी के साथ आए थे, उन्होंने भी सारा देख लिया और मेरे से फ़ोन पे बात कर ली और उन्होंने ये कहा कि गुरु जी आप तो थके हुए हो और आराम से आ जाना, ये बात है रात को करीब 11 बजे की। 13 तारीख अपने सामान में सोने का सामान है, सोने का लगभग 142 ग्राम का है, जिसमें 3-4 अंगूठी भी है, एक गले का नेकलेस है और 4 चूड़ियाँ हैं। इस तरह से छोटा मोटा आइटम करके 142 ग्राम सोना है, जो लगभग 6 से 6.5 लाख का आज की तारीख में है। और चांदी में एक कनकती है और 2 जोड़ी भारी पाइजेब है जो लगभग 500-600 ग्राम की है और 8-10 जोड़ी छोटे वाले पाइजेब है नए। तो इस तरह से और चांदी के सिक्के हैं 20 और 2 गोल्ड मेडल जो बच्चों को अलग अलग जगह पे मिले। मेरा बच्चा कुलदीप, ये चांदी सारा मिला के लगभग 9 से 10 लाख के बीच में गया है। और इसमें केस है जो मैं 31 तो मैंने रिपोर्ट में दर्ज कराया, लेकिन जब मैं वापस लौटा और घर पत्नी से बात करी तो मेरे घर के क्या सेठी, 3-4 सेठियाँ हैं, ऊपर बक्सा है, 2 अलमारी सारे टूटे हुए मिले और मिसेज ने बताया कि इस सेठी में भी मेरे 60-65 हज़ार रुपये थे। इस तरह से लगभग 2.5 लाख कैश, नगद कैश गया। और कैश इसलिए रखा था कि मिसेज का अभी हाल ही मार्च में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसमें हमें को आवश्यकता भी पड़ी और अभी हर महीने हम चेकअप के लिए 15 दिन पे बुलाते थे तो हम जाते थे, इसलिए हम इतना। हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया सर, मुकदमा दर्ज हुआ आदर्श नगर थाने में और IOC जो बनाया है वो अभी वहाँ पे बाबू सिंह विष्णु, बाबू राम जी विष्णोई हैं, उनको IOC बनाया और शायद आजकल में वो जाँच के लिए आएंगे। मेरा नाम है किशन गोपाल वैष्णव, पुत्र श्री श्याम सुंदर। 14/9/2019 को परिवादी श्री किशन गोपाल जी, जो अर्जुन लाल सेठी नगर कॉलोनी में निवास करते हैं, जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त है, वो दिनांक 12/9/2019 को करीब समय 4 बजे तरनोट माता रामदेवरा मंदिर दर भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे और अपने परिचित पड़ोसी श्री गोपाल सिंह जी को रात्रि सोने के लिए उन्होंने बताया था। दिनांक 13/9/2019 को करीब 9:30-10 बजे गोपाल सिंह जी जब अपने किशन गोपाल जी के मकान पर सोने के लिए आया, बाहर से दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खोल के अंदर प्रवेश किया, जहाँ अंदर गेस्ट रूम के कुंदे को खोला तो अंदर से अंदर का जो डबल डोर गेट बना है अंदर से गेट बंद था और लाइट जल रही थी, तो उसे शंका व अंदेशा हुआ। उसने इस अंदेशे के आधार पर किशन गोपाल जी को सूचना दी और अंदर मकान में जाकर प्रवेश करके देखा तो सामान सत्विक्षित इधर उधर बिखरा हुआ था। फिर परिवादी श्री किशन गोपाल जी दिनांक 14 तारीख को तरनोट माता मंदिर से वापस आए, इन्होंने अपने मकान के अंदर बिखरे हुए सामान और उस सामान का निरीक्षण करके 14 तारीख को प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें करीबन 1 लाख रुपए कैश व सोने चांदी के जेवरात पाजेब और बिछुड़ी वगैरह अंगूठी इत्यादि थी, कोई 2 गिलास भी बताए चांदी के और कुछ उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान मिले मेडल वगैरह थे, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है और जैसे भी अनुसंधान की प्रोग्रेस होगी वैसा
आप लोगों को भी अवगत कराए। आपका नाम? बाबूलाल बिश्नोई, ASI PS आदर्श नगर।